गोल गुंबज एक कानाफूसी गैलरी। कर्नाटका के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज 17वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये स्मारक आदिल शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में बनवाया गया था। ये मकबरा अपने केंद्रीय गुंबद के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जो रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा गुंबद है। गोल गुंबद एक आश्चर्यजनक संरचना है, जिसे 1626 से 1648 के दौरान दाबुल के याकूत द्वारा बनवाया गया था। गोल गुंबज में मोहम्मद आदिल शाह के अवशेष रखे गए हैं और उन्होंने वास्तुकला की उत्कृष्टता के इस प्रतीक के निर्माण का आदेश दिया था। ये मकबरा मोहम्मद आदिल शाह, ताजजहां बेगम और अरसू बीबी का दफन स्थल है। सुल्तान चाहते थे कि जहां उनके अवशेष रखे जाए वहां एक मकबरा बनाया जाए, और इसलिए इस स्मारक का निर्माण 1626 में शुरू हुआ, जब वे बीजापुर पर शासन कर रहे थे। इसकी पहचान है व्हिस्परिंग गैलरी, जो गुंबद के ठीक नीचे स्थित एक गोलाकार गलियारा है। इस गैलरी की खासियत इसकी अद्वितीय ध्वनि की है। जहां हल्की सी फुसफुसाहट या धीमी आवाज भी गूंजती है और 40 मीटर की दूरी तक क्लियर रूप से सुनी जा सकती है। ये ध्वनि चमत्कार गैलरी की गोलाकार संरचना और सटीक इंजीनियरिंग का परिणाम है, जो ध्वनियों को असाधारण रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है। ये गैलरी ट्रेवलर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ आकर अपनी आवाज को गुंबद के दूसरी तरफ से सुनने का अनोखा अनुभव पाते हैं। ये अनुभव ध्वनि की और इतिहास के संगम को दर्शाता है, जिससे ये जगह और भी ज्यादा रोमांचक यानी रोचक बन जाती है।